हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो एज यू ऑल नो वी आर डूइंग चैप्टर्स फ्रॉम क्लास डूंग्रॉम टी फॉर इंग्लिश द द नेम ऑफ बुक इज पूर्वी सो वी हैव स्टार्टेड यूनिट यूनिट हमने अभी और यूनिट अभी तक कंप्लीट कर ली है आपने अभी तक सारी वीडियोज नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूनिट थ्री नर्चरिंग नेचर हम स्टार्ट कर चुके हैं इसकी जो पहली स्टोरी है नीम बाबा इसकी स्टोरी कवर कर चुके हैं इस वीडियो में हम पार्ट टू में एक्सरसाइज देखने वाले हैं लेट इज जस्ट उट दीम ट्री राइट एनी टू फैक्ट देट सरप्राइज यू द मोस्ट आपने नीम ट्री के बारे में स्टोरी में पढ़ा दो ऐसे फैक्ट बताइए जिनको जानकर आपको सरप्राइज फील हुआ सो नीम सीड पाउडर कैन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बेस्ट एक तो ये चीज और दूसरी नीम लीव्स आर यूज टू तो ट्रीट मिसल्स बीमारी को भी ठीक करने के काम आते हैं नीम के पत्ते और नीम के जो सीड का पाउडर होता है उससे जो क्रॉप्स पे फसल पे जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनसे बचा जा सकता है सो so ये चीजें सरप्राइजिंग है आपको क्या सरप्राइजिंग लगा वो आप मैंशन करेंगे नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पहला है इसमें द ओल्ड मैन आस्ट एम टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज तो यहाँ कहा है कि ओल्ड मैन ने खुद को नीम बाबा कहने को क्यों कहा तो मुझे तो लगता है यहाँ पे ट्री आना चाहिए था कि नीम ट्री ने क्यों कहा नीम बाबा कहने को आम्बिर को है ना लेकिन ओल्ड मैन लिखा है तो हम इसका आंसर ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो ओल्ड है आम्बिर से तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है उसकी दादा की उम्र का होगा इसीलिए उसने नीम बाबा कहने को बोला फिर है नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट फिर है डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मैथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वॉटर स्टेग्नेट वॉटर मैंने आपको बताया था ठहरा हुआ पानी कहीं एक जगह पानी जमा हो जाए तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं सो so, उससे कैसे बचा जा सकता है अगर हम स्प्रे करें नीम पाउडर को पानी में मिक्स करके तो मच्छर नहीं आएंगे देन वन रीजन वाई डॉक्टर में डॉक्टर कहते हैं कि नीम के पत्तों को यूज करो सो so, क्या होता है उससे इसका आंसर है नीम लीव्स गिव कम्फर्ट फ्रॉम इचिंग एंड डो नॉट अलाउ जर्म्स टू तो ब्रीड मिसल्स में इचिंग होती है तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है या कम्फर्ट मिलता है और जर्म्स यानी कीटाणु और ज्यादा नहीं बढ़ता

ये सब हम नीम के यूज कर सकते हैं मेडिसिन दवाइयां बनाने के लिए नाउ लेटस लर्न यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स क्यों कहते हैं क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं लेकिन कंपाउंड वर्ड्स भी तीन तरीके के होते हैं पहला है ओपन कंपाउंड वर्ड्स ओपन कंपाउंड वर्ड्स में आप देखेंगे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है गैप है जैसे नीम ऑयल है ना नीम और ऑयल के बीच में गैप है वेल नोन वेल और नोन के बीच में गैप है फिर है क्लोज कंपाउंड वर्ड्स इसमें दो वर्ड्स एक साथ लिखे होते हैं गैप नहीं होता नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स जैसे सम थिंग समिंग लिखा है लेकिन बीच में गैप नहीं है ग्रैंड मदर ग्रैंड और मदर लिखा है लेकिन बीच में गैप नहीं है तो ये गया सेकेंड टाइप थर्ड होता है हाइफेटेड कंपाउंड वर्ड्स जिनके बीच में हाइफेंस हो जैसे थॉट प्रोवोकिंग थॉट और प्रोवोकिंग के बीच में छोटी सी जो मार्क है इसे हम हाइफन बोलते हैं क्लीनलीनेस एंड पार्टिंग ठीक है तो अब हमें क्या करना है पुट द कम्पाउंड वर्ड इन दर ट्रीज सो जो भी ट्रीज जिसमें फिट हो रहे हैं हमें ये लिखना है तो पहला है ओपन कंपाउंड वर्ड्स मतलब बीच में स्पेस होना चाहिए तो नीम ऑयल सीड पाउडर वेल नोन वेल ट्रेन ये सारे इसमें आ जाएंगे कुछ हमें खुद से भी एड करने को बोला है तो एग्जाम्पल है हाई स्कूल पीनट बटर ये साथ में लिखते हैं लेकिन बीच में गैप होता है फिर है क्लोज कंपाउंड वर्ड्स जिसमें गैप नहीं है तो ग्रैंड मदर चाइल्डहुड एंड समथिंग ये सब ऊपर से हम लिख रहे हैं वर्ड्स है ना फिर दो अपनी तरफ से मैं एग्जाम्पल देती हूँ वीक एंड और सनफ्लावर वीक और एंड दो वर्ड से मिलकर बना है बीच में स्पेस नहीं है ऐसे ही सनफ्लावर देन हाइफेनेटेड इसमें दिए हुए हैं थॉट प्रोवोकिंग एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ये दो वर्ड्स है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स ऐसे ही दो एग्जाम्पल मैं देती हूँ नो हाउ एंड चेक इन चेक इन चेक आउट जब भी लिखते हैं तो बीच में भी हम ऐसा एक हाईफोन लगाते हैं नाउ नेक्स्ट इज वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स तो वर्ब्स क्या होते हैं ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन के होने का पता करते हो या ये बताते हो कि कोई काम हो रहा है जैसे वह चल रहा है तो चलना वॉक वॉक क्या हो गया वर्ब हो गया वह खाना खा रहा है तो खाना क्या हो गया वर्ब हो गया क्योंकि खाना एक काम है एक्शन है वह लिख रहा है तो लिखना क्या हो गया राइट एक्शन वर्ब है ये ठीक है तो ऐसे कोई भी वर्ड जो एक्शन बताते हैं उन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं सो इन द टेबल गिवन बिलो मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टू वर्ब इन द द कॉलम इज शोइंग एक्शन इन पास्ट मेक अ सेंटेंस विद एनी वन वन फॉर्म ऑफ वर्ब हैज डन फॉर यू सो पहले कॉलम में प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब दिए हैं दूसरे में पास्ट फॉर्म में वर्ब दिए हैं और तीसरे में हमें सही से मैच करके आंसर लिखना है और फोर्थ में सेंटेंस बनाना है सो so, देखो प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूं तो अभी खा रहा हूं और मैं मैंने खाना खा लिया तो मैंने पास्ट में खाना खाया मतलब पहले खा चुका हूं है ना सो so, पास्ट और प्रेजेंट जो होता है तो इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है सो so, बिकम का क्या हो जाता है बिकेम डी में लिखा है इसलिए यहाँ डी आंसर लिखा है और बिकेम या बिकम से हमें सेंटेंस बनाना है तो यहाँ आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर वेन आई ग्रो अप मैं टीचर बनना चाहूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊ ऐसे ही अब हम बाकी के कर लेते हैं तो फाइंड का हो जाता है फाउंड सो आई फाउंड द बुक आई वॉज लुकिंग

देना और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है पास्ट फॉर्म गेव सो इसका आंसर हो जाएगा दे गेव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कंप्लीट द टास्क उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की कोशिश की और अपने एफर्ट्स दिए ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए नाउ नीम बाबा स्पीक्स टू एम्बेड एज इफ ही इज अ पर्सन दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड परसोनिफिकेशन अस लुक एट सम मोर सम्पल्स द लीव्स विन इन द विंड द फ्लावर्स डेंस मैरिली इन द ब्रीज नाउ डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स देखो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिखा है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वे ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शन आर गिविन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स सच एज ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स देखो इस कहानी में क्या था नीम बाबा बात कर रहे हैं अंबर से है ना सो so, नीम बाबा कैसे बोल सकते हैं वो तो पेड़ है लेकिन हमने ह्यूमन क्वालिटीज दी अपनी इमेजिनेशन में ताकि स्टोरी अच्छी लगे सुनने में है ना तो so, ऐसी कोई चीज अगर हम करते हैं जब किसी वस्तु जानवर को हम परसोनिफाई कर देते

इमेजरी और कन्वे इमोशन इन विविध वे ये हम कभी कभी यूज करते हैं स्टोरीज बताते वक्त या कहानी सुनाते वक्त क्यों क्योंकि इसमें हम इमेजिन करते हैं हमने कैसे इमेजिन किया कि पेड़ बोल रहा है और हमें जानने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है ना सो so, इसके और दो एग्जाम्पल दिए हैं जैसे लीव्स विस्पर्ड इन द विंड विस्पर्ड मतलब मैंने आपको बताया था फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना सो लीव्स आर एज विस्परिंग इज समथिंग ओनली ह्यूमन कैन डू इट सजेस्ट अ जेंटल सूदिंग साउंड ऐसी साउंड आ रही है कि लग रहा है धीमे धीमे हवा चल रही है लेकिन फुसफुसाने का काम या धीरे बोलने का काम हम ह्यूमन बींग कर सकते हैं सो so, ये क्वालिटी ह्यूमन की है क्योंकि हम ये पत्तों को दे रहे हैं तो हम पत्तों को पर क्या कर रहे हैं पर सोनीफाई कर रहे हैं ऐसे ही फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज फ्लावर्स नाच रहे हैं जब हवा चल रही है तो

प्लांट एंड सेव ट्रीज तो कहता है कि वो पेड़ लगाते हैं पेड़ लगाने का काम करते हैं अपनी टीम के साथ और उन्होंने बहुत से मूवमेंट आंदोलन लोगों में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया है कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और कैसे हम पेड़ों को सेव कर सकते हैं तो माँ कहती है दैट्स वंडरफुलिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम ये तो बहुत अच्छी बात है उनको ये आइडिया कहाँ से आया तो राहुल बताता है वेन ही वॉज स्टारिंग इन स्कूल इन पुणे हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्री ही वॉज जस्ट इलेवन ईयर्स ओल्ड जब वो 11 साल के थे तो पुणे में एक स्कूल में पढ़ते थे तो वहां जो उनकी इंग्लिश टीचर थी उन्होंने ये दिया था कि तुम्हें पेड़ लगाना चाहिए तो माँ कहती है हाउ डिड ही प्लांट सो मैनी ट्रीज ऑल ओवर एज अ चाइल्ड में कैसे इतनी जगह जगह पर पेड़ लगाए तब राहुल बताता है city, तो राहुल कहता है चंडीगढ़ में एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली है उसमें इनका जन्म हुआ था नीम बाबा का

पीपल के और नीम के पेड़ लगाने की क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेस हैं इन दोनों पेड़ के है ना और उन्होंने लोगों को भी बताना शुरू किया कि आपको ये पेड़ लगाने चाहिए तो लोग उन्हें ना मजाक में बोलते थे कि ये तो पीपल बाबा है पीपल बाबा है लेकिन वो इससे घबराए नहीं उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा अब लोग उसी नाम से उन्हें प्यार से बुलाते हैं पीपल बाबा कहते हैं फिर माँ कहती है ही इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क वी शुड लर्न फ्रॉम हिम एंड प्लांट मोर ट्रीज तो माँ कहती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमें उनसे सीखना चाहिए और बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए चाहिए। तो राहुल कहता है यस माँ, वी मस्ट एंड टेल अदर्स टू डू द सेम हाँ हमें लगाने चाहिए और हमें दूसरों को भी बोलना चाहिए पेड़ लगाने के लिए नाउ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं जो सही है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे सही आंसर में तो so पहला है द मदर वॉज सरप्राइज टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री यस वो सरप्राइज हुई थी जानकर क्योंकि नीम बाबा ने पूरे कंट्री में कैसे पेड़ लगा दिए फिर है वर्क बींग डन बाय पीपल बाबा नहीं उन्हें तो पसंद आया था काम डिसलाइक थोड़ी किया था उन्होंने तो ये सही नहीं है तो ए वाला हमने लिख दिया है ना फिर सी है द मदर वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा यस ये सही है क्यों क्योंकि अगर उनको जानने की इच्छा नहीं होती बाबा के बारे में और ज्यादा तो वो बार बार क्वेश्चन क्यों पूछती फिर है, हमें लगाने चाहिए पेड़, है ना? नहीं, वो डरा हुआ नहीं है वो तो एक्साइटेड है उस चीज के लिए so, स्टेटमेंट सही थे वो हमने नीचे लिख दिए ना यहाँ दिया हुआ लेटर्स स्पीक कलेक्ट ट्रायल Of four trees and या प्लांट का पत्ता है, है और इसका कोई भी एक यूज आपको बताना है तो देखिए कैसे करेंगे तो पहले तो हम लीव कैसे ड्रॉ करेंगे पहले ऐसे आउटलाइन फिर इसके बीच की जो वेन्स होती है वो ड्रॉ करेंगे करेंगे और ऐसे कलर कर देंगे लेकिन ये 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 सब आपको एक कार्ड के ऊपर इस तरीके से करना है। है, है है लीफ लीफ ड्रॉ ड्रॉ कर लिया, अब इसका नाम भी लिख देंगे। तो ये जो मैंने किया पीपल पीपल का पत्ता है, है तो ये पीपल का पत्ता पत्ता ऐसा दिखता ना? ट्री या है, सांस लेने में जो होती है, उनको ठीक करने में नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ कार्ड

ये ये गेम खेल सकते हैं कि कि कार्ड दिखाया ऊपर से लीव की ड्राइंग वो लोग बताएंगे कि ये इस पेड़ का पत्ता लग रहा है फिर उनका आंसर हैव रीड अबाउट नीम ट्री लुक एट ट्रीज इन योर नेबरहुड एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री दैट यू लाइक वेयर इट इज रोड साइड पार्क हाउ इट लुक्स हाइट फ्लार वाई डू यू लाइक इट शेड मेडिसिनल पर्प या शेल्टर ब्यूटी गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ आपने नीम बाबा या नीम ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना अब आपके में से कोई सा भी एक पेड़ जो आपको पसंद है और वो क्यों पसंद है कैसा दिखता है इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है उसको टाइटल देना है so यहाँ एग्जाम्पल दिया माई फेवरेट जामुन ट्री मैं जामुन ट्री के बारे में बता रही हूँ नेक्स्ट माई हाउस बाय द रोट साइज एंड जामुन ट्री दैट आई एडमायर इट एस टॉल विद्रॉन्ग रफ टेक्चर ट्रंक एंड सपोर्ट इट्स लार्ज स्प्रेडिंग ब्रांच मेरे घर के पास रोड साइड में एक जामुन का पेड़ है मैं उसे हमेशा देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे वो लंबा है और उसकी जो ट्रंक है बहुत मजबूत है इतनी सारी ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसकी ट्रंक है ना देन लीव्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड एंड डीप ग्रीन ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ट्री ब्लॉसम विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स इवेंचुअली टर्निंग इन क्लस्टर ऑफ डार्क पर्पल जामुन फ्रूट्स दैट आर बहुत डिलीशियस एंड बेनिफिशियल इसके जो पत्ते हैं ओवल शेप के हैं बहुत स्मूथ और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और एक सीजन आता है गर्मी से थोड़ी सी पहले इसमें फ्लावर्स भी आते हैं वाइट वाइट कलर के फिर वो धीरे धीरे ग्रीन फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं और वही पक्कर बड़े होकर क्या बन जाते हैं पर्पल कलर के बहुत डिलीशियस और बेनिफिशियल जामुन फ्रूट ये मुझे क्यों अच्छा लगता है एक तो अपनी शेड के कारण क्योंकि ये कूल रिलीफ प्रोवाइड करता है समर डेज में लोगों को और द जामुन फ्रूट आर नॉट ओनली टेस्टी बट आर ऑल्सो नोन टू हेल्प विद डाइजेशन एंड कंट्रोलिंग ब्लड शुगर

जब पर्शिया के लोग इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ का पेड़ बहुत फ्रीली हर जगह उनको देखने को मिल रहा है तो उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या दे दिया आजाद दरख्ते हिंदी और इसका साइंटिफिक नेम जो है नीम का साइंटिस्ट ने नीम का क्या नाम दिया लैटिन में आजाद रचता इंडिका या आजादी रखता इंडिका ठीक है तो ये नाम दिया नीम थे इंडिया के किस रीजनल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वो हमें पता करना है नीम पंजाबी में बोला जाता है नीम बंगाली लीम्बा गुजराती निमोरी राजस्थान देखो लिंबामोंड और निमो ये दोनों मुझे कन्फर्म नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया है क्योंकि आपकी मैम जो लिखवाएंगी वही आपको याद करना है अगर एग्जाम में आएगा भी तो वो आप फिल करेंगे है ना मैं श्योर नहीं हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही मराठी में बोलते हैं इसके लिए मैं श्योर हूँ इसका एक और तरीका है हम पता कर सकते हैं जो जहां से वीडियो को देख रहा है बताइए आपके वहां पर नीम के पेड़ को क्या बोला जाता है तो इससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि हाँ इस जगह पर ये बोला जाता है देखते हैं किस बच्चे के यहाँ पर नींबू या नींबामू बोला जाता है वो कहाँ से बिलोंग कर सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन करतेम बाबा स्टोरी ठीक है अब हम नेक्स्ट पार्ट में वॉटर बर्ड थॉट ये वाला चैप्टर या ये वाला पार्ट कवर करेंगे यूनिट थ्री का सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू सो मच